हेलो दोस्तों, फाइनली हम आ चुके हैं नारदेश्वर मंदिर, जो कि भिंड जिले की लहार तहसील से लगभग 10 से 12 किलोमीटर दूरी पर पड़ता है। और इस मंदिर के तटस्थ स्थानों पर तटीय क्षेत्र में एक सिंध नदी, जो कि यहाँ बहुत फेमस है, वो बहती है। और ये हमारे मित्र हैं श्री शामू सिवरे जी, जो आज हमारा साथ दे रहे हैं इस चीज़ में। और यहाँ शायद ये स्ट्रक्चर देख के लग रहा है कि ये वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनने जा रहा है। यहाँ पानी की गहराई बहुत है। अब यहाँ की कुछ खूबियाँ हैं जो लोकल होने के कारण ये श्यामू जी हमें बताएंगे। हाँ भैया बताइए श्यामू जी, क्या है? आज हम आए हैं सिंध नदी नारदेश्वर मंदिर अजनार के पास। और ये सिंध नदी का देखिए पूरा ये रेत के लिए फेमस है, और ये काफ़ी एरिया की सबसे बड़ी नदी है। और ये नदी काफ़ी गहरी है, और यहाँ ये देखिए पूरा सुनसान इलाके में मंदिर है। और ये मंदिर देख के बताते पूरा मंदिर शंकर जी का मंदिर है यहाँ नारदेश्वर, बहुत फेमस मंदिर है यहाँ। और ये नदी देखिए कितनी गहराई है इस नदी में, एकदम यहाँ आना जाना कोई मगर ज़्यादा रहते हैं यहाँ, तो यहाँ कोई आना जाना इतना नहीं रहता किसी का। और ये नहाने की व्यवस्था दूसरी जगह रहती है, यहाँ पर एकदम शांत एरिया है। और ये देखिए पूरा पथरीला इलाका है इनके अकॉर्डिंग जो इन्होंने कहा वो देखिए। और आप सामने नदी देख सकते हैं, आसपास पत्थर की चट्टानें हैं और उन बीच में चट्टानों के बीच में नदी बहती हुई। नदी का जल देखकर बताया जा सकता है कि यहाँ गहराई काफ़ी है। और ये नदी का व्यू है, आप देखिए तो देखा जाए तो काफ़ी लॉन्ग रूट से आ रही है। पानी की जो धार है, स्वच्छता है, आप वो देखिए, यहाँ कोई भी गंदगी नहीं होती है। और व्यू देखेंगे तो आप कितना प्यारा लग रहा है। इसके बाद आपको मैं डाउन स्ट्रीम नदी का जो पीछे का क्षेत्र है, बॉटम क्षेत्र है, जहाँ से जाती है, वो दिखाते हैं। और यहाँ कहीं भजन भी हो रहे हैं एक मंदिर पर सामने, वो भी हम आपको दिखाएंगे। ये मंदिर यदि अपन देख पाते हैं तो जूम करके देखते हैं। हाँ, सामने मंदिर दिख रहा है जी, ये मंदिर है जहाँ ये भजन हो रहे हैं। काफ़ी अच्छा मनोरम दृश्य है, सबसे अच्छी चीज़ है यहाँ देखकर लग रहा है कि नहीं, इट्स टू कूल सैंड, ये दैट्स प्लेस टू लिव वेडर एंड बेटर। देखिए आप इसको देखेंगे तो कितना मस्त है, आसपास का चारों तरफ का व्यू देखिए। इन्होंने एक अपने मित्र को कॉल लगाया है आने के लिए। ये देखिए आप, लगभग हम बीच नदी में खड़े हैं। यदि धारा जोड़ी जाए तो ये बारिश में शायद यही सेंटर होता होगा नदी का। काफ़ी अच्छी नदी है और यहाँ के क्षेत्र की सबसे फेमस नदी है सिंध नदी। जय हो सिंध माँ की, राधे राधे।